है। चलिए आज मैं आप लोगों को परसेंटेज से संबंधित प्रश्न को बताऊंगा जो एकदम आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। बड़ा से बड़ा प्रश्न को लगभग 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं सेशन। यहाँ पे कुछ पहले से मैंने लिख करके रखा है और इसको जो है कि यदि आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो इसको हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि 100% का 1 होता है और 150% का 3/2 होता है। इस तरह से कुछ परसेंटेज निकाल करके रखा हुआ है जिसे आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी, टाइम कम लगेगा और जल्द जल्द से जल्द बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इसको यदि आप नोट नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले और इसको याद कर ले। तो आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया गया है और उसका 66, यहाँ पे 66.2/3% बराबर 40 का 60% निकालने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखना इसका कितना प्रतिशत, मतलब इतना प्रतिशत का कितना होता है, तो 2/3 होता है बराबर 40 का 60% कितना होता है, तो 60% 3/5 होता है। अब इसको हम काट सकते हैं, 8 बजे 40, और निकालना हमको ये है तो ये 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जब भी बराबर को उधर जाएगा तो 3 ऊपर 2 नीचे, और इसको काट दीजिए और आंसर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 36। ये हो गया मेरा आंसर। इतना आपको देखने में लग रहा है कि ये ज्यादा है, आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप बिना पेन का भी आंसर निकाल सकते हैं, बिना लिखे हुए भी आप आंसर निकाल सकते हैं, बस एक लाइन लिख करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ पे 110 का 20%, यानी कि 110 × 20% का क्या मतलब होता है, 20% का मतलब 1/5 प्लस 220 का 10% का मतलब 1/10। अब इसको हम काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया और ये 22, यानी क्या आ गया 22 + 22, यानी कि 44 ये आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं 80 का, मान के चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो x परसेंट निकालना हो तो 60 का 40%, 40% का मतलब 2/5, 40% का मतलब 2/5 होता है। इसको हम काट काट सकते हैं और यहाँ पे हमको x निकाल देना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं, आया 3/10, जो 3/10 का मतलब कितना परसेंट होता है, 30% होता है। ये हो गया मेरा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम और डिफरेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप से प्रश्न कंपटीशन में आ जाते हैं, इसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे देखना क्या है कि संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे कम कह रहा है, संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम इसका जो है कि डिफरेंट निकाल देंगे, अंतर निकालेंगे, इसका कितना आएगा तो 20 आएगा, 20 और कितना से है तो 80 से, ठीक है। और इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे और मेरा आ गया आंसर।
ठीक है, लगभग 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4,000 रुपया तथा 6,000 रुपया प्रति माह है। मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंट निकाल लेंगे। इसका कितना आएगा 2000। अब कह रहा है कि किससे अधिक है, तो अमर की आय से कितना अधिक है, तो अमर की आय यहाँ पे क्या है 4000, अमर की 4000 और मनोज की 6000 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब यहाँ पे हम काट सकते हैं, दो बार में ये कट जाएगा, ये 50 बार में कट गया, कितना आया 50% आंसर बन गया। आगे देखते हैं, एक बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 940 ग्राम का झूठा बाट प्रयोग में लाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? फिर वही बात यहाँ पे देखेंगे कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, जबकि वह बेचता है 940 ग्राम। तो ये दोनों का डिफरेंट कितना है, कम कितना दे रहा है, तो 60 कम दे रहा है, कितना में 940 दे रहा है। अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 काट दीजिए, 3 × 6 और यहाँ पे हो जाएगा 47 बार में ये कट जाएगा। अभी हो गया 300/47=6, ये हो गया मेरा आंसर।